दोस्तों आज हम बात करेंगे बजाज सिटी 110XBS6 2021 वेरिएंट के बारे में, जो कि बजाज कंपनी की डेली कम्यूटर सेगमेंट की एक वन ऑफ द बेस्ट बाइक मानी जाती है, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो हर किसी के बजट में आ जाती है। काफी अफोर्डेबल प्राइस आपको देखने को मिलती है और इस प्राइस में आपको काफी ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस के साथ एक काफी ज्यादा बेहतर माइलेज भी देखने को मिल जाता है। तो इस वजह से ये डेली कम्यूटर सेगमेंट की एक वन ऑफ द बेस्ट बाइक मानी जाती है। और 2021 बजाज सिटी 110XBS6 में आपको काफी नए बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। गाड़ी का लुक पूरी तरह से आपको चेंज देखने को मिलने वाला है, काफी कुछ नई चीजें इसमें अपडेट की गई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इसके बारे में पूरा विस्तार से कि क्या नई चीजें इसमें आपको देखने को मिलती है और अब आपको इसकी ऑन रोड प्राइस कितने रुपए में देखने को मिलने वाली है। तो ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल राइडर एकेबी। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो अपनी तरफ से एक लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट लगातार मिलती रहे। तो स्क्रीन पे आपके सामने है 2021 वेरिएंट बजाज सिटी 110XBS6 वेरिएंट, जिसे आप 2021 मॉडल भी कह सकते हैं। और अगर हम लुक की बात करें तो लुक देख पा रहे होंगे, लुक आपको काफी ज्यादा स्पोर्टी देखने को मिलता है। यानी बहुत से भाई लोगों ने पहले कमेंट कर रखा था इसके ओल्ड मॉडल को लेके कि इसका लुक काफी ज्यादा सिंपल लगता है, तो इसमें थोड़ा सा स्पोर्टी लुक होना चाहिए। तो यहाँ पे कंपनी ने इसके लुक को काफी अच्छे से अपडेट कर दिया है और अब आपको ये काफी ज्यादा स्पोर्टी देखने को मिलने वाली है। कलर वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको टोटल 4 कलर वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको ब्लैक विथ रेड, ब्लैक विथ ब्लू, फ्लेम रेड और वाइल्ड ग्रीन देखने को मिलता है। तो ब्लैक विथ रेड कलर का रिव्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वीडियो चैनल पे उपलब्ध है। जिन भाई लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है, लिंक उनको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो आज ही हमारे पास ब्लैक विथ ब्लू कलर में मौजूद है और यह हमारा टारगेट होता है कि हम जिस किसी भी बाइक का रिव्यू करते हैं उसके सारे कलर वेरिएंट का रिव्यू करते हैं, ताकि आप घर बैठे अपनी मनपसंद बाइक का मनपसंद कलर चूज कर पाए। बाकी के 2 कलर अभी एजेंसीज पे उपलब्ध नहीं है, जैसे जैसे वो कलर आएंगे हम आपको उसका रिव्यू बना के देते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इसकी प्राइस से, जो कि आप सभी का पहला सवाल होता है। तो गौर से सुनिएगा, इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो आपको 54,829 रुपीज यानी 54,829 रुपए एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिल जाएगी इलाहाबाद प्रयागराज में। वही जो इसकी कंप्लीट ऑन रोड प्राइस आपको मिलेगी वो आपको 66,000 टू 68,000 रुपीज यानी 66,000 से 68,000 रुपए के बीच में देखने को मिल जाएगी कंप्लीट ऑन रोड प्राइस इलाहाबाद प्रयागराज की। तो ये थी इसकी कंप्लीट एक्स शोरूम और ऑन रोड दोनों ही प्राइस। और अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। तो फ्रंट से हम शुरू करते हैं, तो फ्रंट में जो आपको ब्रेक मिलता है यहाँ पे आपको 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ इसमें आपको CBS ब्रेकिंग सिस्टम का सपोर्ट मिल जाता है। तो आपका अगला ब्रेक पिछले ब्रेक से कनेक्टेड होता है, जैसे ही आप पिछला ब्रेक अप्लाई करते हैं आपका अगला ब्रेक भी अप्लाई हो जाता है, तो इससे ब्रेकिंग डिस्टेंस कम होता है और आपकी ब्रेकिंग काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है। वहीं फ्रंट टायर की बात करें तो फ्रंट में आपको ट्यूब टायर देखने को मिल जाते हैं। तो इस चीज का गौर कर लीजिएगा कि इसमें आपको ट्यूब टायर देखने को मिलते हैं। टायर पे आप थोड़ा सा डस्ट देख पा रहे होंगे, तो बारिश का मौसम है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ सस्पेंशन के साइड में आपको मिल जाता है साइड रिफ्लेक्टर, जो कि BS6 की सारी बाइक में आपको देखने को मिल जाते हैं। और वहीं हम इसके फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको हाइड्रोलिक टाइप टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 120mm का ट्रेवल देखने को मिल जाता है। तो सस्पेंस क्वालिटी आपको काफी ज्यादा बेहतर मिल जाती है और सस्पेंशन पे आपको रबर की कवरिंग भी देखने को मिल जाती है, जो कि इसके लुक को और भी ज्यादा बेहतर बनाता है। मेन हेडलैम्प पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको एक प्रोटेक्टर टाइप का देखने को मिलेगा, जो कि मेटल का है। तो ये आपके मेन हेडलैम्प को काफी अच्छे से प्रोटेक्ट करता है, जब भी मतलब गाड़ी आपकी किसी चीज से टकराती है हर संभव कोशिश होती है कि ये मेटल का जो प्रोटेक्टर है वो आपके हेडलैम्प को डैमेज होने से रोक लेता है। तो ये नई चीज है जो कि इसके हेडलैम्प पे ऐड करी गई है, तो ये काफी सही चीज है। वहीं हेडलैम्प की विजिबिलिटी की बात करें तो इसमें आपको 35x35 वाट का HS1 का हैलोजन बल्ब देखने को मिलता है, तो नो डाउट विजिबिलिटी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। वहीं उसके ऊपर आपको मिल जाता है LED DRL, जो कि आपको काफी ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको LED DRLs भी देखने को मिल जाते हैं और ऊपर आपको नंबर प्लेट लगाने की जगह देखने को मिल जाती है। साइड के जो इंडिकेटर है वो आपको रेगुलर डिजाइन के बल्ब वाले इंडिकेटर देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी देखने को मिल जाती है। और हेडलैम्प के दोनों ही साइड आपको स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं, ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा बेहतर लगते हैं। टैंक पे आपको CT की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है स्टिकरिंग में। और वहीं अगर हम इसके रियर सेक्शन में रियर टेल लैम्प की बात करें तो रियर में आपको बल्ब वाला टेल लैम्प देखने को मिल जाता है, जो कि आपको एक रेगुलर डिजाइन का देखने को मिलेगा। रियर के जो इंडिकेटर है वो भी आपको रेगुलर डिजाइन के बल्ब वाले इंडिकेटर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आपको एक पट्टी मिल जाती है लोहे की, जिसमें आपको नंबर प्लेट लगाने की जगह दी गई है, तो
ये काफी सही चीज है, इससे इसकी ड्यूरेबिलिटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाती है। वहीं जो रियर का जो कैरियर है वो आपको काफी अपडेटेड देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म टाइप कैरियर देखने को मिलता है जिसमें आप किसी भी सामान को कैरी कर सकते हैं, उस पे रख सकते हैं। मतलब ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है कि जब भी आप पीछे कोई सामान कैरी करते हैं तो आपको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म टाइप कैरियर मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको अपने सामान को रखने में काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती है। तो ये भी एक नई चीज है जो कि कंपनी ने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। इससे पहले आपको प्लेटफॉर्म टाइप का कैरियर नहीं मिलता था। रियर सेक्शन में रियर ब्रेक की बात करें तो रियर में भी आपको 110 mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ CVS ब्रेकिंग सिस्टम का सपोर्ट मिल जाता है। और रियर टायर की बात करें तो रियर में भी आपको ट्यूब टायर देखने को मिल जाते हैं। तो दोनों ही टायर आपको ट्यूब टायर देखने को मिलते हैं और ये सेमी नॉबी टायर है, तो ये काफी सही चीज है। मतलब इसकी जो ग्रिपिंग है वो आपको काफी बेहतर देखने को मिल जाती है। जो मुझे इसकी सबसे अच्छी चीज लगी वो है इसका लेडीज फुटरेस्ट, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको राइट साइड में भी ये फुटरेस्ट प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आप इजीली इस पे कंफर्ट होके बैठ सकते हैं। ये काफी सही चीज लगी मुझे। इसके लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड आपको ये लोहे का फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम रियर सेक्शन में रियर सस्पेंशन की बात करें तो रियर में आपको स्प्रिंग इन स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 100 mm का व्हील ट्रेवल देखने को मिल जाता है। तो ये काफी सही चीज है। और ये है इसका एग्जॉस्ट, जो कि आपको एक काफी बेहतर डिजाइन में इसका एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है। साइड पैनल पे आपको 110X की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जो कि स्टिकरिंग में रखी गई है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है किक, जिससे कि आप इस बाइक को स्टार्ट करके ऑपरेट कर पाएंगे। तो ये काफी सही चीज है कि इसमें आपको किक भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको जो लेग गार्ड मिलता है उस पे भी आपको डिजाइनिंग और कवरिंग देखने को मिल जाती है, यानी कुशनिंग देखने को मिल जाती है। तो ये इसके लुक को और भी ज्यादा बेहतर बनाता है। वहीं अगर हम इसके इंजन के नीचे इंजन काउल की बात करें तो यहाँ पे आपको मेटल का इंजन गार्ड देखने को मिल जाता है, जो कि आपके इंजन को काफी अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। टैंक पे आपको सीटी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जो कि स्टिकरिंग में रखी गई है, और काफी ज्यादा बेहतर ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। और साइड में आपको टैंक पैड भी देखने को मिल जाते हैं। वहीं टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो सीटिंग कंफर्ट आपको काफी बेहतर मिलता है, यानी सीटिंग कंफर्ट में इसके कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, एकदम फ्लैट सीट देखने को मिल जाती है। तो सीटिंग कंफर्ट में को लेके इसके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड भी आपको यहाँ पे लेडीज फुटरेस्ट देखने को मिलता है, तो इसके लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड आपको लेडीज फुटरेस्ट देखने को मिलता है, जो कि काफी सही चीज है। बात कर लेते हैं थोड़े से इसके इंजन की, तो इसमें आपको 115.45 cc का 4-stroke सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 इंजन देखने को मिलता है। जो मैक्स पावर मिलती है वो आपको 8.6 PS की मिलती है 7500 RPM पे, और जो मैक्स टॉर्क मिलता है वो आपको 9.81 न्यूटन मीटर का मिलता है 5000 RPM पे। तो पावर और टॉर्क आपको काफी ज्यादा बेहतर मिलता है। और इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर देखने को मिलता है, तो इस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कार्बोरेटर है। गौर कर लीजिएगा, ये कार्बोरेटर नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर है, जिसका वर्क FI के जैसा ही होता है। आपका फ्यूल इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग के अकॉर्डिंग इंजन में सप्लाई होता है। तो इससे फायदा ये होता है कि अब आपको इसका जो माइलेज मिलेगा वो आपको पहले से थोड़ा सा बढ़ा हुआ माइलेज देखने को मिल जाएगा। तो ये काफी सही चीज है। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर भी मिल जाता है, और यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको मिल जाता है कैटलिटिक कन्वर्टर, और उसके ऊपर आपको ऑक्सीजन सेंसर देखने को मिल जाता है, और कैटलिटिक कन्वर्टर पे आपको कवरिंग भी देखने को मिल जाती है, जो कि मेटल की है, तो ये काफी अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। वहीं फ्यूल टैंक पे आपको स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम और खूबसूरत लगते हैं। और ये है इसका मीटर कंसोल, जो कि आपको फुली एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ओडोमीटर, ट्रैकोमीटर, ये सारी चीजें आपको एनालॉग देखने को मिलती है। इसमें आपको फ्यूल इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ FI लाइट भी देखने को मिल जाती है। तो मीटर कंसोल में आपको कोई खास नया चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। स्विचिंग क्वालिटी की बात करें तो लेफ्ट हैंडल बार पे आपको लो बीम, हाई बीम, पासिंग स्विच के साथ साइड इंडिकेटर स्विच और हॉर्न स्विच देखने को मिल जाता है। तो स्विचिंग क्वालिटी आपको काफी बेहतर मिलती है। और जो इसके मिरर हैं वो आपको रेगुलर डिजाइन के मिरर देखने को मिल जाते हैं। राइट हैंडल बार पे आपको एक एडिशनल स्विच प्रोवाइड कर दी जाती है, जिससे कि आप अपने हेडलैम्प को ऑन ऑफ कर पाएंगे। तो ये काफी सही चीज है। और उसके नीचे आपको पावर सेल्फ स्टार्ट स्विच देखने को मिल जाता है। तो लगभग सारी चीजें हो गई। लास्ट में बात कर लेते हैं थोड़े से इसके डायमेंशन की। तो इसकी जो लंबाई है वो आपको 1998 mm, चौड़ाई 753 mm, हाइट 1098 mm, व्हील बेस 1285 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm, और जो इसका कर्व वेट मिलेगा वो आपको 127 kg का देखने को मिल जाएगा। तो 127 kg की आपको पूरी बाइक देखने को मिल जाती है। तो ये थी इस बाइक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो अपनी तरफ से एक लाइक करिएगा। और चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट लगातार मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।